धोनी एक ऐसा नाम जिसको सुनते दिल को बहुत सुकून मिलता है। आप भी अगर क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपने धोनी के नाम की गूंज बहुत बार सुनी होगी, लेकिन पिछले 4-5 सालों में ये धोनी के नाम की गूंज सिर्फ आईपीएल में सुनने को मिलती है। तो आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये खास एमएस धोनी के फैंस के लिए है। अब चाहे ये वीडियो कैसा ही बने, चाहे वीडियो अच्छा बने या फिर बुरा बने, लेकिन जो एमएस धोनी का सच्चा फैन है वो एमएस धोनी के लिए 5 मिनट निकाल के इस वीडियो को पूरा जरूर देखे। अगर कोई सच में ही एमएस धोनी का फैन है तो वो एमएस धोनी के लिए 5 मिनट जरूर निकालेगा। तो वीडियो में एमएस धोनी के बारे में बात करें तो एमएस धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची के एक छोटे से परिवार में हुआ। धोनी के पिताजी का नाम पान सिंह धोनी और माता का नाम देवकी देवी है। आपने धोनी की जो बायोपिक फिल्म है उसमें देखा ही होगा धोनी ने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया और उसके बाद में धोनी ने टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई। धोनी ने सबसे पहले वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था। धोनी ने अपना सबसे पहला वनडे मैच 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला और धोनी ने अपना लास्ट मैच जो कि 2019 का वनडे वर्ल्ड कप था उसमें सेमीफाइनल में 9 जुलाई 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। धोनी के क्रिकेट करियर की शुरुआत रनआउट से हुई, यानी कि धोनी पहले मैच में भी रनआउट हुए और अपने आखिरी वनडे मैच में भी धोनी रनआउट से ही अपने करियर की समाप्ति करी। वर्ल्ड कप 2019 में सेमीफाइनल मैच धोनी का लास्ट मैच था। वर्ल्ड कप 2019 के बाद में धोनी को टीम में नहीं चुना गया। सभी ने वर्ल्ड कप 2019 की हार का जिम्मेदार धोनी को ठहरा दिया, लेकिन जो सच बात है वो एमएस धोनी के फैन जरूर जानते हैं यही कि किस तरह से धोनी ने वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में लास्ट तक हार नहीं मानते हुए और लास्ट तक टीम के लिए संघर्ष किया। लेकिन लगातार धोनी को टीम में नहीं चुने जाने के कारण आखिर में धोनी ने 15 अगस्त 2020 को संन्यास ले लिया, और अगर एक तरह से बोले तो यह संन्यास धोनी ने लिया नहीं बल्कि बीसीसीआई ने मजबूर कर दिया संन्यास लेने के लिए। लेकिन जब धोनी के संन्यास की खबर सुरेश रैना के पास पहुंची तो सुरेश रैना ने भी अपने दोस्त धोनी के साथ ही संन्यास की घोषणा कर दी। लेकिन अब अगर आज के समय की बात करूं तो आज के समय में बीसीसीआई को धोनी के संन्यास का बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, क्योंकि धोनी जैसा खिलाड़ी न तो टीम इंडिया को अभी तक मिला और न ही आगे कभी मिल सकेगा। बाकी जितने भी अच्छे खिलाड़ी हुए हैं उनका रिप्लेसमेंट कोई न कोई टीम इंडिया को जरूर मिल गया है। सचिन तेंदुलकर के जाने के बाद में उनकी जगह कोहली आ गए, और कोहली के बाद में भविष्य की बात करें तो शुभम गिल भी कोहली की तरह ही बैटिंग करता है। अगर बात करें सहवाग की तो सहवाग के बाद हमें रोहित शर्मा मिल गया और आगे भविष्य के लिए हमारे पास यशस्वी जायसवाल भी है। और अगर बात करें युवराज सिंह की तो युवराज सिंह के जाने के बाद हमें युवराज सिंह के विकल्प के रूप में रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या मिल गए। आगे बात करूं गंभीर के बारे में तो गौतम गंभीर के जाने के बाद में हमें केएल राहुल और श्रेयस अय्यर उनकी जगह मिल गई। बात करूं बॉलिंग के बारे में तो बॉलिंग में जहीर खान के जाने के बाद में हमें बुमराह मिला, और भविष्य के लिए हमारे पास मोहम्मद सिराज, स्पिनर में अनिल कुंबले और हरभजन के जाने के बाद हमें अश्विन और कुलदीप जैसे स्पिनर मिल गए, और भविष्य के लिए हमारे पास रवि बिश्नोई जैसा खिलाड़ी मौजूद है। लेकिन घुमा सिराज की बात सिर्फ एक ही आती है कि एमएस धोनी का रिप्लेसमेंट हमें कब मिलेगा। अगर बात करूं भारतीय क्रिकेट में एमएस धोनी के विकल्प के बारे में तो भले ही ऋषभ पंत एमएस धोनी की जैसी बैटिंग कर सकता है और रिंकू सिंह एमएस धोनी की जैसा फिनिशिंग कर सकता है, लेकिन एमएस धोनी की जैसी विकेट कीपिंग और एमएस धोनी जैसी कप्तानी अभी तक कोई भी ना तो टीम इंडिया में कर सका है और ना कभी ऐसा मिलेगा। धोनी की विकेट कीपिंग और धोनी कप्तानी किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा फायदा देती है और दोनों ही टीम इंडिया को अब वापस नहीं मिल सकते हैं। धोनी कप्तानी किसी भी टीम के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये बात तो हम सब ने आईपीएल 2023 में देख ली है। 2023 आईपीएल में धोनी ने अपनी कप्तानी के चलते ही सीएसके को एक बार फिर से विनर बना दिया। तो अब मैं अगर धोनी के बारे में जितना बोल सकूं उतना कम है। धोनी के बारे में बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में कुछ बातें बताई हैं जो कि एमएस धोनी का विरोध करने वाले लोगों के लिए हैं। तो उन जैसे लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि धोनी के जैसा खिलाड़ी आप ढूंढ लोगे, धोनी के जैसा फिनिशर भी आप ढूंढ लोगे, लेकिन धोनी के जैसा कप्तान और धोनी जैसा विकेट कीपर कभी भी टीम इंडिया को आगे चल के कभी नहीं मिल सकता। तो आप भी अगर धोनी के फैन हैं तो धोनी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों तक और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो कि धोनी के बारे में बुरा भला बोलते रहते हैं। उनको पता होना चाहिए कि धोनी क्या चीज़ है और टीम इंडिया को कितना बड़ा नुकसान हुआ है धोनी के जाने के बाद में।